हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस मूवी की एक्सप्लेनेशन का पार्ट टू है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रो की शावर ले रही होती है, रो को बाथरूम में आ जाता है। रो के उसे देखकर चोर से चिल्लाने लग जाती है। रो को डोर बंद कर देता है और फिर वापस आकर पूछता है, तुमने डोर लॉक क्यों नहीं किया। रो के बताते, मैंने तुम्हें बताया था कि डोर का लॉक खराब है, पर तुमने फिक्स नहीं कराया और मुझे मत देखो। रो को वहां से चला जाता है। इसके बाद रोको और रोकी ऑफिस आते हैं। रोको उसे देखकर हंस रहा होता है। फ्रेंड बोलता, शादी का एक वीक कंप्लीट हो गया है, कंग्रेचुलेशन। दूसरा फ्रेंड रोको से पूछता है, इस वीक जो चेक आने वाला था वो कहाँ है। रोको बताता है, लॉयर देख रहा है, जल्दी आ जाएगा, तुम रिलैक्स होकर बैठ जाओ। फ्रेंड बताता है, क्लाइंट का बार बार कॉल आ रहा है, एड के बारे में पूछ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे क्या जवाब दूँ, हमें क्लाइंट के पास जाकर उसे सच बता देना चाहिए। रोको बोलता है, हम ये नहीं कर सकते और मैं सब कुछ हैंडल तो कर रहा हूँ, तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो। मिक बोलता है, ठीक है तो तुम सब ये खुद ही डील कर लो, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। रोके रोको को बोलती है, मिक सही बोल रहा है, हमें सीतू के पास जाकर उसे सच बताना चाहिए। रोको बोलता है, तुम तो चुप हो जाओ। तभी रोकी को उसके फादर का कॉल आता है और सबको चुप करा देती है। फादर उसे बताते, तुम्हारा भतीजा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और पैसों की जरूरत है। रोकी बोलती है, ठीक है मैं सेंड करवाती हूँ। नेक्स्ट सीन में रोकी दोनों को बताती है, मैंने अपने फादर को मैसेज कर दिया है, मेरा बॉस पैसे देने आ रहा है। दोनों रोकी की फैमिली को पैसे दे देते हैं। फादर रोको को बोलते हैं, रोकी ने बताया कि तुम उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो, इसलिए हम तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमने हमारी प्रिंसेस को रुलाया। रोको का फ्रेंड बोलता है, ये सच बात नहीं है, तुम्हारी बेटी ने झूठ बोला है, हमारे बॉस बहुत ही काइंड और ओबीडिएंट है। फादर बोलते, ठीक है इसने हमारी हेल्प की है, हम शुक्रगुजार हैं, पर प्लीज रोकी का ध्यान रखना, पहली बार वो हमसे इतनी दूर गई है। इसके बाद रोको उनकी फोटो क्लिक करता है। रोको इशारा कर बोलती है, इन्हें बोलो कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत मिस भी कर रही हूँ। रोको को समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहती है, इसलिए उसे कॉल करता है और उसके फादर से बात कराता है। रोकी अपने फादर से बात कर रोने लग जाती है। रोको उसे देख रहा होता है। बात होने के बाद फादर रोको को हग करते हैं, ये हग मेरी बेटी को डिलीवर कर देना। रोको वापस कार में आता है। रोके उसे तुरंत हग और किस करने लग जाती है फादर समझकर, और फिर एम्बेरस भी हो जाती है। रोकी रोको को थैंक यू बोलती है उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए। अभी रोको को उसके फ्रेंड मिक का मैसेज आता है, वो सीतू क्लाइंट के पास गया है सच बताने। तीनों वहां पहुंच जाते हैं। मिक रोको को बताता है, मैंने उन्हें सब बता दिया है। रोको बोलता है, मैं उनसे बात करके आता हूँ। मिक बताता है, अब बहुत देर हो गई है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड को दे दिया है। रोको मिक से फाइट करने लग जाता है। मिक बोलता है, ये हमारी भी कंपनी है। रोकी रोको को वहाँ से ले जाती है। रोकी उसे बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रोको बोलता है, दूर रहो इन सब से, तब तुम्हें नहीं पता कि ये क्लाइंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। रोकी बोलती है, पर मिक भी तो तुम्हारा फ्रेंड है। रोको बोलता है, वो बस मेरा एम्प्लॉय है तुम्हारी तरह, और तुम भी बस अपना काम करो, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। रोकी बोलती है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। रोको बोलता है, मैं कोई चैरिटी केस नहीं जिसकी तुम हेल्प कर रही थी, और अगर मेरा ये क्लाइंट चला गया तो मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। रोको वहाँ से चला जाता है। रोकी ग्रैंडमा को बताती है, अब मुझसे ये सब और नहीं होगा। ग्रैंडमा उसे एक एल्बम दिखाती है। रोको अपने फादर से बहुत प्यार करता था, कभी कभी इंसान उन्हीं लोगों को हर्ट करता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन रोको को पता चला उसके फादर रोड की दूसरी फैमिली है और वो उन्हें छोड़कर भी जाना चाहता है, तो रोको ने उन्हें रोकने के लिए बहुत कोशिश की पर उसके फादर नहीं रुके। उसके बाद से ही रोको ऐसा हो गया है, किसी की फीलिंग की फिक्र नहीं करता, पर मुझे यकीन है उसका हर्ट अंदर से सॉफ्ट है। और फिर भी तुम जाना चाहती हो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। रोको को बता दूंगी कि मैंने ही तुम्हें हायर किया था। उसी और रोको रोकी का घर लूटने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे ग्रैंडमा का मैसेज आता है, रोकी मेरे घर है और जल्दी घर पर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रोको घर आ जाता है। ग्रैंडमा उसे सब कुछ सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी रोकी बोलती है, मैं रोको के साथ घर जाना चाहती हूँ। रोको स्माइल करता है। दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। रोको उसे उसकी फैमिली की फोटोज देती है और बोलती है, तुम्हारे लिए सीटू वाला प्रोजेक्ट इसीलिए इम्पोर्टेंट था ना। रोको बोलता है, मैं बस अपने फादर से बेटर बनना चाहता हूँ, और मूवी की तरफ देखकर बोलता है, कैसे इनमें दिखाया जाता है लोग एक दूसरे के प्यार में होते हैं, हस्बैंड कितना ऑनेस्ट होता है जिसके साथ वाइफ अपनी पूरी लाइफ बिता सकती है, पर रियलिटी में ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। रोकी पूछती है, हमारी तरह। रोको सॉरी बोलता है आज उसे डांटने के लिए। रोकी बताती है, मेरी मदर ने मुझे कहा था, जिस इंसान को सॉरी बोलना आता है वो दुनिया का सबसे बेटर पर्सन होता है, यानी तुम अपने फादर से बहुत ही बेटर हो। और कंग्रेचुलेट बोलती है, तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो। रोको बोलता है, थैंक यू मेरे साथ घर वापस आने के लिए। नेक्स्ट डे रोको सीतू को आकर सिंसियरली अपनी सारी बात समझाता है। इसके बाद रोको बाहर आकर रोकी को बताता है,
मुझे उन्होंने सेकंड चांस दे दिया है। दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद रोको अपने फ्रेंड मिक को भी सॉरी बोलता है। मिक को उसे माफ कर देता है। रोको क्लाइंट के सेट के लिए अलग अलग एज के मैरिड कपल के इंटरव्यू लेने का डिसाइड करता है। फ्रेंड रोको को बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये आइडिया तुम्हारा है। रोको बोलता है, लोग चेंज हो जाते हैं, क्या पता मुझे भी इन सब में बिलीव होने लग गया है, और रोकी को देखता है। इसके बाद रोको और रोकी मैरिड कपल्स का इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोको बाथरूम के डोर का लॉक भी फिक्स करवा देता है। रोकी बोलते है, घर की बाकी चीजें फिक्स कौन कराएगा। दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। रोको रोकी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। रोकी रोको को नोटिस कर रही होती है, आजकल वो अलग बिहेव कर रहा है। रोको के हाथ पर मच्छरों ने काट लिया होता है। रोकी इस पर मेडिसिन लगा रही होती है। रोको बोलता है लिप्स पर भी। रोकी उस पर भी लगा देती है। इसके बाद रोकी को उसके फादर का कॉल आता है और उसके भतीजे के बर्थडे पर उसे बुलाते हैं। रोकी बोलती मैं नहीं आ पाऊंगी। रोको ये सुन लेता है। नेक्स्ट डे रोको रोकी को उसकी फैमिली से मिलवा कर उसे सरप्राइज देता है। रोकी खुश हो जाती है और रोको को हग कर लेती है। रात को रोको रोकी को किस करने वाला होता है। रोकी उठ जाती है, ये क्या कर रहे हो। रोको बताता मैं बस रिमाइंड करने आया था कि कल हमें ग्रैंडमा के घर जाना है, तो जल्दी उठ जाना। ये कहकर रोको तुरंत वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे दोनों ग्रैंडमा के साथ होते हैं। रोको ग्रैंडमा को बोलता है, मुझे पता चला मेरे फादर वापस आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर साथ में डिनर करें। ग्रैंडमा ये सुनकर शौक और खुश दोनों हो जाती है। रात को रोको रोकी को बोलता है, आज हम टोस्ट नहीं करेंगे, तुम बेड पर सो जाओ। रोकी बोलती है, मैं हमेशा बेड पर सोती हूँ, आज तुम सो जाओ। रोको बोलते चलो हम दोनों ही सो जाते हैं। रोकी बोलते ये नहीं हो सकता और दोनों की पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। रोमांटिक फाइट के बाद दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। अचानक से रोकी बोलती है, ये सब भूल जाओ और तुम मेरे कमरे से जाओ, मैं बेड पर सो रही हूँ। रोको पूछता क्या हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या। रोकी उसे वहाँ से भेज देती है और सोचती है ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट डे रोकी ग्रैंडमा को आकर बताती है, मुझे रोको से प्यार हो गया है, मैं उसे अब ये झूठ और नहीं बोल सकती, उसे सच बताना चाहती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो बता सकती हो। के बाद रोकी प्रैक्टिस कर रही होती है उसे रोको से बात कैसे करनी है। तभी उसे रोको का कॉल आता है और डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। ग्रैंडमा भी वहाँ होगी। रोकी अपनी बात उसे बताने वाली होती है लेकिन कॉल कट हो जाता है। रोको रिंग लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है। रोकी भी रेस्टोरेंट में पहुँच जाती है। ग्रैंडमा पूछती है, क्या तुमने रोको को सब बता दिया। रोकी बताती है, मैं उसे बताने वाली थी पर उसने मुझे यहाँ बुला लिया। रोको भी वहाँ आ जाता है। रोकी पूछती है, अचानक से तुमने ये डिनर क्यों रखा है। रोको बताता है आज की नाइट स्पेशल होने वाली है। इसके बाद रोको ग्रैंडमा को सच बता देता है, उसने रोकी को हायर किया था उसकी वाइफ के लिए। और रोको रोकी को बोलता है, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ, इसलिए रियल में शादी करना चाहता हूँ। रोकी रोने लग जाती है। रोको रिंग के साथ प्रपोज करता है, जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। रोकी बोलती है, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, मैंने ग्रैंडमा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारी शादी फेक है, मेरी फैमिली को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने ये बात मान ली, और प्लीज मुझे माफ कर दो। रोको पूछता है, ये सब क्या है। ग्रैंडमा सॉरी बोलती है। रोको बोलता है, आपको मेरी फीलिंग के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए था। रोकी बोलती है, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। रोको बोलता है, मैंने खुद को बहुत समझाया कि मुझे इन सब पर बिलीव करना चाहिए, पर तुमने तो सच में मेरे साथ जोक मार दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया, और वहाँ से चला जाता है। और रोको अपने फ्रेंड्स को बोलता है, मैं सच में इडियट हूँ, मेरे फादर सही कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर रोकी अपने फादर को सब कुछ सच बता देती है। फादर को बुरा लगता है, उनकी बेटी ने पैसों के लिए झूठ कहा, और उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उसकी इंटेंशन सही होती है। पूरी फैमिली रोकी को हग कर लेती है। नेक्स्ट डे रोकी अपने फादर के साथ ग्रैंडमा को वो सारे पैसे लौटाने आती है। ग्रैंडमा लेने से मना करती है लेकिन फादर उन्हें इंसिस्ट कर वो पैसे वापस। रोको अपनी ग्रैंडमा के पास आता है और उन्हें सॉरी बोलता है, अगर मैं स्टूपिड हरकतें नहीं करता तो कभी आप मेरे लिए इस तरीके की डिसीजन नहीं लेती। ग्रैंडमा और रोको एक दूसरे को माफ कर देते हैं। ग्रैंडमा रोको से पूछती है, रोकी को लेकर क्या करोगे। रोको कुछ नहीं बोलता। ग्रैंडमा समझाती है, हमें लगता है दो अलग लोग साथ में जिंदगी भर तभी साथ रह सकते हैं जब वो परफेक्ट हो, पर एक्चुअली में कोई परफेक्ट नहीं होता, हमें सिर्फ लव में बिलीव करना चाहिए, और लव का मतलब है दूसरा चांस देना। नेक्स्ट डे रोको अपने फादर से मिलने आता है और दोनों सॉरी बोलते हैं एक दूसरे की फीलिंग को ना समझने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोकी किस सीन शूट कर रही होती है, पर रोकी अपने को स्टार एक्टर को दूर हटा देती है। रोकी डायरेक्टर को बोलती है, मुझसे किस सीन शूट नहीं होगा। डायरेक्टर बोलता है, तुम एक नंबर की वाहियात एक्ट्रेस हो,
हम रोमांटिक म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, इसमें किस सीन नहीं होगा तो ऑडियंस पागल हो जाएगी और उसे वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद रोकी को एक कॉल आता है, एक ऑडिशन होने वाला है जिसमें तुम्हारी फैमिली की भी जरूरत पड़ेगी। रोकी अपनी फैमिली के साथ ऑडिशन देने पहुँच जाती है जहाँ रोको और उसके फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड्स रोकी का ऑडिशन लेने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि रोको को तुम्हें एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए। रोकी बताती है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मुझे खाना भी बनाना आता है और मैं इसे बहुत सारे बच्चे भी दे सकती हूँ। रोको बोलता है, आंसर बहुत सिंपल है, तुम मुझे डिजर्व करती हो। रोकी पूछती है, तो क्या मैं इस ऑडिशन में पास हो गई? रोको बोलता है, अगर तुम्हारी फैमिली एग्री हो जाती है। पूरी फैमिली हाँ बोल देती है। रोको उसे प्रपोज करता है, क्या इस बार सच में मेरी वाइफ बनोगी? रोकी खुशी से पागल हो जाती है और उसे बोलती है, जल्दी से रिंग पहनाओ, इससे पहले तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। इसके बाद दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।